एक बात बताइए, गलत करेगा तो उसका साथ दीजिएगा? सपोर्ट देंगे आप, पाँच मिनट नहीं बच्चा, क्या बात है? अरे भैया पार्किंग के लिए हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, हम लोग थोड़ा ही इनको किसी में बोल रहे हैं पार्किंग बना रहे हैं। अरे रोड को आइए, यहाँ पे पर्सनली इनको नहीं बोल रहे हैं, ये जो रोड पर गाड़ी लगता है उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। हाँ तो भैया हम आपको बता रहे हैं, वो रोड पर गाड़ी लगता है ना, अब किसी को बोला जाए इधर लगाने उधर लगाने के लिए, हम उनको ही दोष दे रहे हैं, आपको थोड़ा दोष दे रहा है कि गलत झगड़ा हो जाता है। वही बच्चा बोले भैया इधर बोलता है, इधर में माइक करता है, प्रेस का हम ही बता रहे हैं, मैं समय करता है उधर चोर गाड़ी घुमा लिए तो ठीक बात, डर प्रेस बंद कर उसके बाद। अरे भैया आप का है गा समझ रहे हो, पार्किंग राइट चाहिए कि ना राइट चाहिए? हाँ राइट चाहिए। नहीं आप सोचिए कि बोल रहे हैं कि बेतिया कोनो हॉस्पिटल में पार्किंग नहीं रहता है, तो वही तो सवाल है भाई, पार्किंग क्यों नहीं रहेगा, क्यों खाली पैसा कमाने का हाल जानिएगा, और पार्किंग बनवाने के बेरा कौन आएगा बनवाने, आए खाली पैसा लेना है 500 फीस, 1500 दवाई में, 3000 टेस्ट में, और गरीब को पेलना है रेलना है, और पार्किंग कौन बनाएगा? जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं गया था संजय जायसवाल जी के क्लिनिक पे, और वहाँ पे जिस प्रकार का मेरे साथ व्यवहार किया गया, मेरे माइक को छीना गया, मोबाइल को छीना गया, गाली भी दे दिया गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब आप थेथर हो गए हैं तो हम भी थेथर हो गए हैं। अब समस्या ये है कि समझने का प्रयास करिएगा, यहाँ पे सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल है, यह पूरा प्राइवेट हॉस्पिटल से भरा हुआ है, लेकिन मित्रा चौक है शायद वो, और इधर आपको गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटल है, और वहाँ से लेके यहाँ पर सिर्फ प्राइवेट डॉक्टर लोग बैठते हैं, क्लिनिक है, और इस रोड में सबसे ज्यादा जाम लगता है, इसके पीछे एक रीजन है, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जस्ट बगल में संजय जायसवाल जी का एक और बिल्डिंग है, और जस्ट बगल में उनके सामने देख लीजिए रोड है, और रोड पे वो करवाते हैं क्या पार्किंग, यहाँ पे जितने भी हॉस्पिटल हैं उन लोगों के पास अपना पार्किंग खुद का नहीं है, जिसका कारण यह होता है कि लोग रोड पे गाड़ी लगाते हैं और जाम लगता है, और जहाँ एक घंटा में जाना चाहिए वहाँ चार चार घंटा लोग जाम में फंसे रहते हैं। पता है 500 फीस लगता है, 10-10 हजार रुपया, 1,00,000 रुपया ऑपरेशन में डॉक्टर साहब लोग ले लेते हैं, बेतिया में इतना महंगा बेतिया का प्राइवेट इलाज चल रहा है, और उसी बीच जब जनता की बात आती है ना, तो रोड को अपना घर समझ लेते हैं, अपना हॉस्पिटल समझ लेते हैं, और रोड पर ही पार्किंग बना देते हैं। और यहाँ संजय जायसवाल जी माननीय सांसद जी ढेर दिन से रहुआ रहनी हो, लेकिन तब रुआ से ना लौकल कि रोड पर पार्किंग बनाता रहे, वो खुद लगवाई ले बनी, कौन डाला पर पत्रकार बाबू रो जाई जाके सवाल पूछ दी तो हाथा पाई पर चालू कर दे, स्टाफ लोग गुंडागर्दी कर लगी, तो आई रो के जमीनी स्तर पर हम दिखाओ तो नहीं कि केंग जाम यहाँ लागत अटे, आ जाम लागे के मुख्य रीजन कहबा, यहाँ के जनता से बात करते नहीं। चाचा कितना दिन से यहाँ जाम लागत अटे? बहुत दिन से, हमने के तो बचपन से बड़का हो गई जामे देखो देखो, हॉस्पिटल का लाइन हो गया तब से बहुत जाम चल रहा है। अच्छा सही बताइएगा, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल वाले लोग अपना खुद का पार्किंग बनवाते हैं क्या? नहीं के कोई नहीं बनवाता है, किसी का नहीं है, किसी का पार्किंग, किसी का पार्किंग नहीं। आप सुनने का प्रयास कीजिएगा, आप पहले अच्छे से सुनिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कोई भी प्राइवेट वाले या यहाँ पे नर्सिंग होम वाले क्या बोलते हैं, गाड़ी लगाने के लिए अपना कोई प्राइवेट जगह नहीं बनाते हैं, और रोड को ही अपना प्राइवेट जगह समझ लेते हैं, और जाम लगता है, इस पे आप लोग क्या बोलिएगा दादा? ये नहीं होना चाहिए ऐसा, मानते हैं कि जब जाम लगेगा तो इमरजेंसी। बात बताइए, माननीय संजय जायसवाल जी यहाँ कम से कम उनके पिताजी भी सांसद रहे हैं, वो भी सांसद रहे हैं, तमाम पदों से वो सम्मानित है, उसके बावजूद भी उनके जिला उनका होम जिला है, ये उनका बिल्डिंग है, उनका अपना बिल्डिंग यहाँ पे नर्सिंग होम चल रहा है, वहाँ पे उनकी पत्नी का नर्सिंग होम चल रहा है, और रोड पे वो क्या करते हैं गाड़ी लगवाते हैं। सबसे पहला चीज उनको अपना पार्किंग बनवाना चाहिए कि नहीं बनवाना चाहिए? किसी को अपना पार्किंग बनवाना चाहिए, संजय जायसवाल जी को पार्किंग बनवाना चाहिए नहीं बनवाना चाहिए? यहाँ के जो हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल के लोग हैं उन लोगों को पार्किंग बनवाना चाहिए कि नहीं बनवाना चाहिए? जरूरी है, पार्किंग नहीं बनता है। अब थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिएगा, आइए हम आपको दिखाते हैं, आइए कैमरामैन थोड़ा मेरे साथ, आप देखिए जरा, यह रोड है लगभग 12-13 फीट का रोड है, और हॉस्पिटल रोड है ये, और यहाँ पे देख लीजिए बाइक लगा हुआ है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल, बाइक लगा हुआ है प्राइवेट हॉस्पिटल, बाइक लगा हुआ है प्राइवेट हॉस्पिटल, ये सब प्राइवेट हॉस्पिटल पर रोड पर बाइक लगा है। अब देखिए ना, भैया हेल रहे हैं, आ इधर गाड़ी लगा है। मैं आपको वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने आप दिल की बात बता रहा हूँ, ये जो जाम लगता है आपको क्या लगता है किस वजह से लगता है? प्रशासन की देन है,
प्रशासन का देने प्रशासन उठा के ले जाए मोटरसाइकिल थाना में अपना रखे, जाम हमेशा खत्म रहेगा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन एक बात बताइए चाचा, जैसे मान लीजिए कि कोई गाड़ी वाला आपके पास आए या किसी हॉस्पिटल में आए, वो गाड़ी कहाँ लगाएगा चाचा बताइए? डॉक्टर का समस्या है, कहाँ रखेंगे? डॉक्टर लोगों को तो पार्किंग बनाना चाहिए था ना, कि जिसके पास हम आ रहे हैं उसके पास पार्किंग रहेगा, तो हम उसके पास जाएंगे, वहाँ पर अपना गाड़ी लगा लेंगे, अपना सुविधा से इलाज कराएंगे, तो गाड़ी हम कहाँ रोड पर नहीं ना फेंक देंगे? जहाँ डॉक्टर के पास जाएंगे वही लगाएंगे। इसके लिए चाचा आप बताइए, हम गलत हो तो आप हमको समझा भी सकते हैं। इसका नगर परिषद समस्या का हल करे, नगर परिषद। हाँ, नगर परिषद समस्या का हल करे। बिल्कुल सही कह रहे हैं चाचा, बिल्कुल 100% सही है कि नगर परिषद को इस पर ध्यान देना चाहिए। मानिए जो भी ऊपर बैठे हैं उन सबको ध्यान देना चाहिए, और प्राइवेट हॉस्पिटल के जितने भी हमारे डॉक्टर लोग हैं, आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, आप लोग भगवान का रूप माना जाते हैं, लेकिन जहाँ बिजनेस करना शुरू कर देते हैं, जहाँ ये सब धंधा लगाना शुरू कर देते हैं, वहाँ आप लोगों के प्रति मन से इज्जत सम्मान घट जाता है। इसीलिए पार्किंग का व्यवस्था कराइए। 500 फीस लेते हैं आप, बहुत ज्यादा पैसा लूटते हैं, ठीक है, गरीब को चूसते हैं आप लोग, तो कम से कम पार्किंग बढ़ा के जनता के लिए रोडवा बनवाने का प्रयास कीजिए। गलत की सही, सही बात है, बनना चाहिए कि नहीं पार्किंग सही बात है? हर एक प्राइवेट वाले लोग को पार्किंग बनाना चाहिए, एकदम बनाना चाहिए। मान लीजिए मरीज आएगा तो पार्किंग का चाहिए, तो द्वारिये पर खड़ी आएगा, रोडे पर खड़ी आएगा, प्रशासन का भी नजर होना चाहिए, प्रशासन को भी, विधायक जी को, सांसद जी को, प्रशासन को, यहाँ तक हमारे माननीय जो भी हमारे बड़े डॉक्टर है, बुजुर्ग डॉक्टर है, उन सबको इस चीज पे विशेष ध्यान देना चाहिए। ध्यान दें अपने, अभी नगर निगम के अंदर में नगर निगम ध्यान दे अपना, क्या प्रक्रिया है, क्या उसका नियम है, वही ना जानता है। नगर निगम के साथ बुरा नहीं माने, शुभ नाम बता सकते हैं ताकि हम जाके उनसे मिल सके। अब नगर निगम उसका तो हम नहीं बता सकते कि सिटी मैनेजर कौन है, चाहे टैक्स दरोगा कौन है, वही लोग जानते हैं कौन आता है कौन। जो भी हो, सिटी मैनेजर साहब, टैक्स मैनेजर साहब, प्लीज आप लोग इस पार्किंग पे विशेष ध्यान दें, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि बेतिया के हॉस्पिटल रोड को जल्द से जल्द मुक्त कराया जा सके, और पार्किंग सभी डॉक्टर बनाए, धांधली बंद करें। जय हिंद, जय भारत।